हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं रास्ते में। तो भाई देख लो, बारिश का मौसम हो रहा है। ये हमारे गांव की सड़कें हैं, ठीक है भाई। वहाँ खड़ी अपनी गाड़ी। तो भाई अपना गाड़ी लिया मोड़। अभी नहा के आया था मैं, तो थोड़े बाल बाल भी वैसे से हो रहे हैं। अभी सामान वामान रखा हूँ। तो भाई आज का प्रोग्राम है अपना मथुरा जाने का। पहले जाएंगे हम कोसी कला शनिदेव के मंदिर, क्योंकि भाई आज सैटरडे है। तो पहले जाएंगे कोसी कला, फिर वहाँ से आगे जाना का प्लान है मथुरा वृंदावन कान्हा जी के पास। तो भाई अभी तो चले हैं, देखते हैं कैसे क्या सिस्टम बनता है। तो अभी पहला अपना बैग वैग ले लूँ। तो भाई अपना मिलते हैं अभी, एक घर आ गया मैं, एक बार बैग वैग उठा लूँ फिर चलते हैं। तो भाई गाँव से अपना निकल गया था, मतलब गाँव के बाहर ही निकला गया था। ये देख लो भाई मौसम, देख लो एक नंबर हो रहा। एक सेकंड भाई, रजत का फ़ोन आ रहा है। रजत का फ़ोन उठा लो एक बार, फिर अभी दिखाता हूँ आगे। तो भाई रजत का फ़ोन आ गया था, बता दी भाई से, क्योंकि भाई सारे बाट देख रहे हैं अपना, सारे रेडी हैं। तो अपना हम निकल रहे हैं भाई यहाँ से 3:30 बजे, ठीक है भाई। तो अपना साथ बने रही हो, भगवान के दर्शन करवाऊँगे शनिदेव के भी, और कल फिर कान्हा जी के भी करवाऊँगे, ठीक है भाई। तो अपना मिलते हैं अपना मोदी नगर पहुँच के। एक बार मैं थोड़ा सा ड्राइविंग पर ध्यान दे लूँ। तो भाई सबसे पहला आ गया निम्मू, देख लो तैयार हो का लौंडा, छोटी मोटी जीन्स पहन के। कोथली से देने जा रहा तू, तो पन्नी सन्नी लेके आया भाई? कोथली देने जा रहा? और देखो पन्नी सन्नी लेके चार्जर बैग ही ना मिला यार, बैग गायब हो गया मेरे तो। भैया निम्मू का बैग गायब हो गया, किसी को मिला हो तो बताइयो, ठीक है निम्मू? कह दी मैंने। तो भाई चलते हैं अपना आगे को। तो भाई गाड़ी वहां करती थी खड़ी, क्योंकि उसके अगले टायर में थोड़ी सी दिक्कत है। मगर भाई लंबा सफ़र है, बारिश वैसा आ रही है, कभी दिक्कत हो जाए। तो वाह भाई हमने कर दी खड़ी मिस्त्री है। अब जा रहे हैं भाई हम गगन भाई वाली से, गगन चला रहा निम्मू पीछे। उसकी वजह से भाई थोड़े से लेट तो हो गए, क्योंकि वो दिक्कत कर रही थी, क्योंकि भाई दिक्कत हुई, चीज़ लेकर नहीं जानी चाहिए ऐसे लंबे सफ़र पर। तो इस वजह से वहाँ खड़ी कर दी। तो अपना भाई चल रहे हैं, अब उठाऊँगे एक एक करके सब। तो भाई अपना रजत आ गया था, कपड़े लत्ते लेकर अपना चलते हैं अब आगे को। अभी गुड्डो भैया उठाने हैं, फिर अपना निकलेंगे भाई। लेट तो काफ़ी हो गया, टाइम भी बहुत हो रहा, 5 बजने वाले और आधे घंटे में तब तक मुरादनगर पहुंचेंगे। बारिश कंटिन्यू आ रही है और हम भी कंटिन्यू चल रहे हैं। गुड्डो भैया भी उठा लिए थे, अपना सारे भाई बैठ गए बिल्कुल। तब वाल वाल कटवा गए, वहाँ अभी कटवा गए काफी लंबा सफर है। भाई यहाँ रुक गए थे अपना पेट्रोल डलवाने को, टंकी भर रही है। और गगन गुड्डो भैया आ गए, तो भाई गाड़ी एक बार फुल करवा ले और फिर मिलते हैं। देख लो बारिश कंटिन्यू हो रही है भाई, टायर में हो रही हवा कम, यो देख लो। अपना गाड़ी में पंप हैगा तो अपना हवा भर ले, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेते थोड़ा सा भी, क्योंकि भाई पता नहीं कहाँ दिक्कत हो जाए। तो पहले अपना हवा भर लें रोक के एक बार, तो देख लो टायर बैठा पड़ा, एक बार उसे कनेक्ट कर लें और फिर दिखाते हैं आपको। भाई हवा हो गया 35 कर लिया हमने, क्योंकि भाई 35 बहुत है 5 जनों के हिसाब से। तो एक बार फिर भी सारों की चेक कर ले, क्योंकि पता नहीं भाई हाईवे पेट्रोल पंप कहाँ का कहाँ मिला है, वहीं सही रहेगा। तो अपना एक बार चारों की चेक कर लें और फिर चलेंगे भाई आगे को।
आगे पेट्रोल पे है कौन है बुलंदशहर भाई यही है बुलंदशहर नहीं हाईवे पे बुलंदशहर पड़ेगा ना इसको कट इसमें बुलंदशहर साग इसमें है सही है इसमें भी भाई जो सही है इसमें तो सही है और मैं तो सारों में हाँ ठीक है भाई अपना आप चलेंगे आगे को हवा हो गया चेक अब अपना सुधा कोसी करना जाकर रुकेगी ठीक है भाई बीच में देख लेंगे आधा ब्रेक लेंगे तो ले लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है भाई अपना चलो। तो भाई यहाँ रुक गए थे होटल पे फैमिली ढाबा यो पहला रेस्ट लिया हाँ ढाबा होटल एक ही बात है तो खाना ही तो भाई अपना यहाँ खाओगे और टाइम हो रहा है भाई 7 बज गए क्योंकि हम थोड़े से लेट हो गए थे गगन अब भी गाड़ी में बैठा सारे अपने थोड़ा बैठा बैठा काफ़ी टाइम होगा तो भाई खा खुला कुछ अब फिर थोड़ी देर में मिलते हैं फिर चलेंगे। तो भाई आ गया अपना अंदर जो होटल है अभी तो खाली पड़ा अब अपना कुछ खाऊंगे चाय वाय की कह दी है ठीक है भाई चाय वाय मंगलर फिर मिलता है थोड़ी देर में। तो भाई गाड़ी ली थी कार्ड अपना चल दिए हैं जो भाई थोड़ी चाय वाय सी पी ली थी क्योंकि भाई थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी है नॉन स्टॉप चल लेता अपना रजत आगे ड्राइविंग पर मेरे अपने भैया और हम अपना तीनों भाई बैठेंगे पीछे। तो भाई यहाँ से चले हैं हम 9:18 पर ठीक है भाई अब देखते हैं कोसी कला किस टाइम पहुँचते हैं पहले जाना है शनिदेव के मंदिर ठीक है भाई तो अपना वहाँ पहुँचते हैं और मिलते हैं वहाँ जाते हैं ठीक है भाई। तो भाई हम पहुँच गए हैं कोसी कला शनिदेव के मंदिर पर यो देख लो भाई शनिदेव की मूर्ति काफ़ी बड़ी है ठीक है भाई उसके सामने होटल है अब चलेंगे भाई मंदिर के भाई अभी तो जाम सा लग रहा थोड़ा सा अभी आपको पास में जाके दिखाता हूँ एक बार रोड क्रॉस कर लूँ फिर दिखाऊंगा इतनी बड़ी है। ठीक है भाई यो शनिदेव महाराज की मूर्ति है ठीक है यहाँ से स्टेयर से ऊपर आए तो हम पहले भी हैं पर मतलब व्लॉग सोना बनाया कभी आज बना लेंगे दिखा देंगे भाई तो देख लो ठीक है भाई सारे भाई अपने सारे स्नैप बना रहे हैं एक वो आया ठीक है भाई देख लो सारों को कैडे पड़े मंडरे रहे सारे स्नैप में। तो भाई शनिदेव महाराज के तो कर लेते दर्शन अभी मंदिर में जाऊंगे मंदिर आगे जाकर थोड़ा सा तो एक बार वहाँ चले जा मूर्ति का तो कर लिए अब एक बार मंदिर में जाकर दिखाते हैं आपको भाई ठीक है वो खड़ी अपनी गाड़ी भाई गाड़ी कर दी खड़ी अपनी जोरी अब भाई पार्किंग है जाट पार्किंग ठीक है भाई वो कर दी अपना गाड़ी खड़ी सामान ले लिया अपना चलते हैं आगे को भाई भीड़ देख लो तो भाई गाड़ी वहां खड़ी कर दी थी पीछे और मंदिर है वहां पे ठीक है तो अपना पैदल पैदल जा रहे हैं सारे देख लो ना गुआरा पीछे पीछे हम जा रहे हैं आगे आगे भाई थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा तो अपना चलते हैं वहीं जाकर दिखाऊंगा भाई। तो भाई यो आ गया शनिदेव का मंदिर यहाँ से स्टार्टिंग है यो है गेट देख लो कितना बड़ा गेट है और सामने अपना मंदिर है और भाई ठीक है अभी दिखाता हूँ अंदर पहुँच कर